नाजरीन, ये केबल कार है जो सियाहों को और मकामी रिहायशी लोगों को यहाँ से केल से आड़ंग केल की तरफ लेकर जाती है। मकामी तौर पर इसे डोली कहते हैं और पहले तो इनका किराया बहुत कम था, अब इसका किराया बढ़ा के उन्हें 300 रुपया कर दिया है और वो आने जाने का है 300 रुपया। जब रश होता है तो यहाँ पर टिकट मिलना बहुत मुश्किल है और घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें क्योंकि हम सुबह सुबह आगे थे तो हमें जल्दी जो है ये दूसरे तीसरे ट्रिप में हमें जगह मिल गई। या डोली वापस आती है तो फिर इसमें हम बैठ जाते हैं, ये हम बैठने लगे हैं इसके अंदर और ये हम चल पड़े हैं। और ये नीचे जो है ये केल का इलाका है, ये उनके मकानात हैं लोगों के और वो वहाँ से चले हम जहाँ पे कमरा नजर आ रहा है छोटा सा। ये नीचे दरिया नीलम है जिसका पानी आजकल गदला है क्योंकि उतने बारिश हुई है जिस वजह से पानी जो है वो थोड़ा गदला हो गया। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता डोली जो है यह मंजिल मकसूद की तरफ जा रही है। वहाँ हम उतर के फिर बाकी ये हमारे साथी हैं बैठे हुए, बाकी लोग जो हैं ये भी कुछ तस्वीर वगैरह बना रहे हैं और कुछ लोग वैसे देख रहे हैं इर्द गिर्द। ये दरख्तों में से भी गुजरती है, बड़ा जबरदस्त नज़ारा होता है इसका। ये केल का जो है ये चरागाहें हैं जिसे मीडोस कहते हैं, अड़ंग केल की। यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी नजर आएगा और प्राइवेट लोगों के ये छोटे छोटे खेत भी हैं जिसमें ये ज्यादातर जो है मकई काश्त करते हैं और कुछ लोग अब घरों के नज़दीक जो है वो सब्जी भी काश्त करते हैं जिसमें आलू टमाटर और मटर शामिल है। और इसके जो है वो तीन अतराफ में ऊंचे पहाड़ हैं इस वादी के, बहुत खूबसूरत वादी है। पहले तो यहाँ सारे के सारे मकान जो है वो पुराने स्टाइल के होते थे, अब जो जो खुशहाली आती गई है लोग नए घर बनाते जा रहे हैं और कुछ मंजिलें जो हैं वो सॉरी कुछ घर जो हैं उनकी मंजिलें ज़्यादा हैं, असल में वो होटल है और होटल लोग जो है ज़्यादातर देखा देखी बनाते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ का भी जो हाल है वही हो जाए जो कलाम वगैरह का है या नारायण वगैरह का है, वहाँ जो असल खूबसूरती है कुदरती वो ख़त्म हो रही है और सारी जगह जब होटलों ने ले लिया है। ये सामने एक बड़ा होटल है, इसमें अच्छी फैसिलिटी हैं, आप बर्फबारी के दिनों में आए यहाँ पर रिहाइश करें और आपको अच्छी फैसिलिटी और खाना मिल जाएगा। और ये बर्फ जब पड़ जाती है तो ये इलाका बहुत खूबसूरत हो जाता है, एक फरिश्ता बिछ जाता है बर्फ का और पहाड़ों के ऊपर ही बर्फ है, हर तरफ सफेदी होती है। ये अब हम जो है ये वापस जा रहे हैं। ये देखें ये डोली है, असल में यहाँ घंटों खड़ा होना पड़ता है। आप लोग जब भी आए पानी और खाने पीने की चीजें लेकर आए और वहां इंतजार करें।